हाय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे मशरूम की खेती की थी। दोस्तों अब लगभग ये मई का महीना शुरू हो चुका है, अब यहाँ पे मशरूम आने बंद हो चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों जो भी ये बैग हैं, हम इन बैगों का अब हम कंपोस्ट खाद के तौर पे यूज करेंगे। इनको हम अपने खेतों पर डालेंगे, आइए देखते हैं किस प्रकार डालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा खेत है। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे प्याज की खेती करी थी और उसकी हार्वेस्टिंग भी करी थी। तो दोस्तों मशरूम का जो कंपोस्ट होता है बहुत अच्छा जैविक खाद होता है, इससे बहुत अच्छी खेती होती है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बरकरार है, इस कंपोस्ट में अभी भी दोस्तों ये डिकम्पोज हो रहा है, अभी भी ये बहुत अच्छे से कंपोज का काम करता है। आप देख सकते हैं हम इसको इस तरह से खेत पे डाल सकते हैं और जिससे दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम आपको दिखाते हैं इसका कंपोस्ट डाला हुआ रिजल्ट आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछली बार हमने जो भी मशरूम का कंपोस्ट बचा हुआ था वो हमने अपने टमाटर की इस खेती पे पौधे पे डाला था, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं इस पर कई सारे टमाटर आ चुके हैं और इसकी वीडियो भी हमने अपने पूरे चैनल पे डाली हुई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी का गार्डन लगाया था। अभी भी दोस्तों जून का मई का महीना आ चुका है, अभी भी इसमें बहुत अच्छी फसल आ रही है। यहाँ पे बैंगन का पौधा लगाया है दोस्तों हमने एक, और यहाँ पे हमने हमारा मेन जो है स्ट्रॉबेरी का गार्डन है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आ रही है अभी भी, इस समय भी देख सकते हैं फ्लावर बहुत अच्छे से फ्लावर भी आ रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे नेट सेट का प्रयोग किया हुआ है, साथ ही हमारी स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी आई हुई है, देख सकते हैं आप ही। इस तरह से दोस्तों आप अगर इस कंपोस्ट को सही से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे।